कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग गुजरात में हुई और हमने ये मीटिंग गुजरात में इसलिए की क्योंकि हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है और दोनों विचारधारा गुजरात में आपको मिलेंगी। एक तरफ महात्मा गांधी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का हर क्षण इस देश को बनाने में लगा दिया। आज हम उनके आश्रम में थे और अगर ये देश बना है तो महात्मा गांधी और गुजरात ने इस देश को बनाया है। और आज दूसरी शक्तियां इस देश को कमजोर करने में लगी हैं। आप देखिए, इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चार जज प्रेस के पास जाते हैं, कहते हैं हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, और उसके एकदम बाद जज लोहिया जी का नाम लेते हैं। आमतौर से जनता सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है न्याय के लिए। आज के हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज जनता के सामने न्याय मांगते हैं, और यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं हो रहा है। जहां भी आप देखें हिंदुस्तान की संस्थाओं पर, इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण चालू है। लोगों को बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, और जो सच्चे मुद्दे हैं उनकी बात सरकार नहीं करती। हिंदुस्तान के सामने सच्चे मुद्दे कौन से हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा बेज्यादा बेरोजगारी है। नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, मगर सच्चाई यह है कि आज हिंदुस्तान का युवा अलग अलग प्रदेशों में रोजगार ढूंढते भटक रहा है। ४५० युवाओं को २४ घंटे में नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार देती है। दूसरी तरफ किसानों का मुद्दा, गुजरात के चुनाव में हमने किसानों की बात की और किसानों ने गुजरात में हमारी पूरी समर्थन की। और किसानों के सामने कौन से मुद्दे हैं? नरेंद्र मोदी जी 3,50,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हैं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का, मगर हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते, एक रुपया कर्जा माफ नहीं कर सकते हैं। उल्टा अरुण जेटली जी कहते हैं किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। किसान बीमा का पैसा देते हैं और जब आंधी तूफान आता है तो फायदा उन्हीं 15 लोगों की कंपनी को होता है। आप पैसा भरो और सीधा का सीधा पैसा उनकी जेब में जाता है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव थे, हमने रोजगार का, किसान का मुद्दा उठाया और हमने वहां साफ कह दिया
और वही बात मैंने गुजरात में कही थी कि देखिए हम जो कहते हैं हम करके दिखा देते हैं। और हमने वहां कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ कर सकती है। और हमने कहा कि देखिए 10 दिन के अंदर इन 3 प्रदेशों में चुनाव के जीतने के 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ कर देगी। और प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 2 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इन प्रदेशों के सब किसानों का कर्जा माफ कर दिया। और मुझे दुख होता है कि गुजरात के किसानों का कर्जा हम माफ नहीं कर पाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको भी जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की बिना किसी से पूछे, 8 बजे रात को अनाउंसमेंट करते हैं कि 500 रुपए का 1000 रुपए का नोट रद्दी हो रहा है। और गुजरात का जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो इनोवेटिव स्पिरिट है, गुजरात के छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को 1 दिन में नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया, करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया, हंसते हुए किया। कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुजरात की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या उस भीड़ में जो बैंक के सामने खड़ी थी, क्या उस भीड़ में आपने हिंदुस्तान के काले धन वालों को देखा? क्या आपने अनिल अंबानी को देखा, नीरव मोदी को देखा, मेहुल चौकसी को देखा? नहीं, उस लाइन में हिंदुस्तान के गरीब लोग थे, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, माताएं बहनें। 15 लाख रुपए वापस करने का कहा था, मिल गया आपको 15 लाख रुपए, आ गया आपके बैंक अकाउंट में। जहां भी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं। गब्बर सिंह टैक्स कहा था कि एक टैक्स होगा, सिंपल टैक्स होगा। 12 बजे रात को अनाउंस करते हैं, पता लगता है कि 5 अलग अलग टैक्स। और आज तक गुजरात के छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस वालों को जीएसटी समझ नहीं आई। मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि 2019 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, वैसे ही हम जीएसटी को रिफॉर्म करके आपको एक टैक्स वाली जीएसटी दे देंगे। मगर नरेंद्र मोदी जी सच्चे मुद्दों की बात नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी जी देश को यह नहीं बताना चाहते कि पिछले 5 सालों में उन्होंने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी देश के किसान को यह याद नहीं दिलाना चाहते कि उन्होंने पिछले 5 साल में किसानों की बात नहीं सुनी, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों की मदद नहीं की। यह नहीं याद दिलाना चाहते कि उन्होंने किसान से बोनस छीना। एक के बाद एक नई बातें करेंगे। आपको याद होगा 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। ये देखिए मैंने चौकीदार शब्द बोला। ये देखिए चौकीदार, तो आप कुछ और बोलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ चौकीदार जवाब मिलता है। और फिर
हर स्टेज से नरेंद्र मोदी देशभक्ति की बात करते हैं, हर स्टेज से नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि मैं देशभक्त हूं। राफेल हवाई जहाज नरेंद्र मोदी वायुसेना की प्रशंसा करते हैं, मगर नरेंद्र मोदी देश को यह नहीं बताते हैं कि उन्हीं पायलट्स और उसी वायुसेना के जेब में से नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी के जेब में डाला है। देखिए मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, एंटनी जी बैठे हैं। यूपीए के समय एंटनी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने एक राफेल के लिए 526 करोड़ रुपए देने के तय किए थे। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि एचएएल कंपनी, हिंदुस्तान की सरकारी कंपनी जिसने 70 साल से हवाई जहाज बनाए, जिसके हवाई जहाज ने पाकिस्तान में जाके बम गिराए, मिराज हवाई जहाज, उस कंपनी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। भाई और बहनों, अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया है, और मैं गारंटी करके कहता हूं, अगर अनिल अंबानी जी को आपने एक कागज दे दिया और उन्होंने उनको कहा कि भैया कागज का हवाई जहाज बनाओ, अनिल अंबानी जी कागज का हवाई जहाज नहीं बना पाएंगे।